हेलो फ्रेंड्स, डाइटिशियन फूड हाउस में आपका वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईद स्पेशल केसरी शीर बनाना सिखाऊंगी। ये और शीर के मुकाबले बहुत ही अलग है और मज़ेदार भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच घी चाहिए और जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें आपको सेवियाँ डालनी हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सेवियाँ हैं तो फिर आपको इसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इन सेवियों को जो रोस्ट करना है वो बहुत ही धीमे आंच पे, ताकि ये जले नहीं, क्योंकि ये सेवियाँ बहुत जल्दी से जलती हैं। और जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसमें आप दूध डाल दीजिए। दूध मैंने यहाँ 0.5 लीटर यानी 500 ml लिया है। और दूध डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको लगातार आपको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर ये नीचे से जलना शुरू होंगी तो क्या होगा, पूरे शेर में पूरी शीर जो है आपकी वो जला हुआ टेस्ट देगी। देखिए मैं लगातार इसको हिलाती जा रही हूँ और आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही आप ये थिक हो जाएगी तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंने यहाँ काजू बादाम डाला है और भी ड्राई फ्रूट्स हैं। आपके पास जो भी घर में मौजूद है आप वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए। ये जो चिरौंजी है ये आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि ये इस शीर का खास इंग्रेडिएंट्स है। और यहाँ जो मैं नारियल इस्तेमाल कर रही हूँ, कटा हुआ ना लेकर मैंने यहाँ पाउडर इस्तेमाल किया है, ताकि शीर में इस पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि पाउडर इस्तेमाल कीजिए। और सारे मेवे डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से हिलाना है ताकि ये पूरे में मिक्स हो जाए। और आपको क्या काम है, अभी 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरी शीर है वो बिल्कुल धीमी आँच पर बन रही है ताकि ये जले नहीं। देखिए अब ये थिक भी हो चुकी है। थिक होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चीनी इस्तेमाल करनी है। चीनी का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जितना आपको चाहिए। वैसे तो शीर बहुत मीठी होती है, मगर आजकल मीठा कोई खाना इतना पसंद नहीं करता है, तो फिर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिए। चीनी डालने के बाद इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये थिक भी हो चुकी है, चीनी भी हमने डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए और कुक करते हैं ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आप मखाने डालिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मखाना नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। मैंने यहाँ डाल दिया है, अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर केवड़ा एसेंस है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं ठंडा होने के बाद, बट मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं था। देखिए अब मैंने शीर पूरी निकाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कुछ घंटों के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये शीर जितनी ठंडी होगी उतनी ही टेस्ट में अच्छी होती है। चलिए अब ये ठंडी हो चुकी है, अब इसको सर्व करते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब है। और प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए एक शेयर तो ज़रूर बनता है। इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचेगी। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन का बटन तो बिल्कुल भी दबाना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।